क्या आपने अभी तक हमारे सेकंड वाले पार्ट को देखा है? अगर नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस सेकंड वाले पार्ट को जरूर देखें। जब आप उसे देख लेंगे तो आपको ये फाइनल पार्ट बहुत ही जल्दी समझ आ जाएगा, क्योंकि ये आज का हमारा फाइनल पार्ट होने वाला है। कल के सेकंड वाले पार्ट में आपने जाना था कि अघोरा नाथ, जो कि एक बहुत ही बड़ा तांत्रिक है, वो उमेश के घर आता है। जब वो शालिनी को देखता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही ताकतवर शक्ति थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके अंदर कौन शक्ति है, क्योंकि वो उसे बताना नहीं चाहती थी। इसलिए वो उमेश से कहता है कि तुम्हें शालिनी को मेरे यहाँ मेरी पूजा के स्थान पर लाना होगा और इसका तोड़ मैं वहीं पर करूँगा। तभी तांत्रिक उमेश से कहने लगता है कि तुम कहाँ पर घूमने के लिए गए थे। जब उमेश ने उसे बताया तो वो चौंक गया, क्योंकि उमेश ने कुंभलगढ़ के बारे में बताया था। तांत्रिक को इस कुंभलगढ़ की जानकारी अच्छे से थी, इसलिए तांत्रिक उसे कुंभलगढ़ की कहानी बताने लगता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि ऐसी ही हॉरर कहानियां हम अपलोड करते रहते हैं। आपका एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें मोटिवेट कर देता है आगे वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तांत्रिक अघोरानाथ उमेश को और उमेश की फैमिली को उस कुंभलगढ़ के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि कई साल पहले कुंभलगढ़ में एक राजा था जो महल को बनवाना चाहता था, लेकिन उस महल को बनवाने के लिए उसके पास कोई खास जगह नहीं थी, इसलिए वो अपने राज से कुंभलगढ़ आया और वहाँ पर जब उसने इस जगह को देखा तो वो यहाँ पर महल बनवाने की सोच रहा था। तभी कुछ लोगों ने उससे कहा कि यहाँ पर आप महल मत बनाइए, अगर आपको महल बनाना है तो आप पास में ही एक ऋषि हैं, उनसे आप पहले इजाज़त ले लीजिए। तभी राजा एक ऋषि के पास गए और वहाँ पर ऋषि को प्रणाम किया और उनसे कहा कि महाराज, हम यहाँ पर अपना एक महल बनाना चाहते हैं, क्या हम यहाँ पर महल बना सकते हैं? तभी उस ऋषि ने कहा कि हाँ राजा, मैं कौन होता हूँ, ये तो सब ईश्वर की देन है, लेकिन जब तुम अपने महल को बनवाओ तो उस महल को इतना ऊँचा ना बनवाना कि उसकी परछाई मेरी कुटिया तक आए, अगर उसकी परछाई मेरी कुटिया तक आएगी तो तुम्हारा महल उसी वक्त खंडर में तब्दील हो जाएगा। जब राजा ने इतना सुना तो वो ऋषि मुनि से कहने लगा कि ठीक है महाराज, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। जब राजा अपने महल में पहुंचा तो कुछ दिनों बाद वो इन ऋषि मुनि की बात को भूल चुका था, उसे याद नहीं था कि ऋषि मुनि ने क्या कहा था, और उसने ऋषि मुनि की बात को अनदेखा करते हुए अपने महल को 7 मंजिला बनवाया, जिस वजह से उस महल की परछाई ऋषि मुनि की कुटिया पर पड़ने लगी। जब वो परछाई कुटिया पर पड़ी उसी वक्त वो महल जर्जर हो गया और वो महल टूटकर गिर गया, जिस वजह से उस महल में जितने भी लोग थे सभी लोग दबकर मर गए और राजा उस महल में ही था, जिस वजह से राजा की भी मृत्यु हो गई। लेकिन उसमें कुछ महिलाएं थीं, कुछ पुरुष थे, उन लोगों में से कुछ लोगों की तो मुक्ति हो गई, लेकिन कुछ आत्माएं वहीं पर आज भी भटकती हैं, और जब भी कोई उस किले उस खंडर को घूमने के लिए जाता है तो कुछ आत्माएं उनके पीछे लग जाती हैं। जब तुम और शालिनी उस कुंभलगढ़ में घूमने के लिए गए तो वहाँ पर एक पिशाच जो कि हवस का भूखा था वो तुम्हारे पीछे लग गया, और उस वक्त शालिनी की नई नई शादी हुई थी, इसलिए वो पिशाच शालिनी के ऊपर लग गया, क्योंकि कहा जाता है ये पिशाच जो भी हवस के भूखे होते हैं वो महिलाओं के पीछे बहुत ही जल्दी लगते हैं, और ये भी कहा जाता है कि अगर पिशाच किसी महिला के साथ संबंध बना लेता है तो वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। उस महिला का शरीर
उस पिशाच के कब्जे में पूरा आ जाता है। वो उससे कुछ भी करवा सकता है, कुछ भी। उसे मार भी सकता है और किसी को उसके हाथों मरवा भी सकता है। और मुझे लगता है कि उस पिशाच ने तुम्हारी सालनी के साथ संबंध बना लिया है, इसलिए तो वो सालनी के शरीर के अंदर आ चुका है और वो अब कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज की रात तुम ये दरवाज़ा मत खोलना, मैं कुछ इंतजाम कर लेता हूँ। इसलिए कल सालनी को लेकर तुम मेरे यहाँ पर आना और मैं वहाँ पर सालनी के अंदर बैठे पिशाच को भस्म कर दूंगा। तांत्रिक अघोरानाथ अपने घर के लिए निकल जाता है। आज की रात कैसे निकलेगी ये सब वो सोच ही रहे थे कि इतने में रात हो जाती है। उमेश के परिवार के लोग खाना पीना खाकर सो रहे थे, तभी लगभग रात के 12 बजे उन्होंने देखा कि वो दरवाज़ा जिस दरवाजे के अंदर सालनी कैद थी, वो दरवाज़ा जोर जोर से खटखटा रही थी और कह रही थी कि इस दरवाजे को खोलो, किसने इस दरवाजे को बंद किया है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन आखिर रात के 12 बजे ही क्यों? उमेश समझ गया था, क्योंकि उसका वक्त हो गया था उस काली पहाड़ी की बनी गुफा में जाने का, क्योंकि वो हर रात रात के 12 बजे के बाद उस काली पहाड़ी पर बनी गुफा में जाती थी। जब किसी ने भी वो दरवाज़ा नहीं खोला तो वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। लेकिन ये क्या, सालनी तो नॉर्मल थी। जब उमेश ने देखा कि सालनी नॉर्मल है तो वो उसके पास नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि ये पिशाच बहुत सातिर होते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पिताजी उस सालनी को देखने के लिए चले जाएंगे। जब उसके पिताजी उसके पास पहुंचे तो सालनी कहने लगी कि पापा मैं नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी उमेश के पापा कहने लगे तुम ठीक तो हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सालनी उससे कहने लगी कि तुम लोगों ने मुझे कमरे के अंदर कैद करके क्यों रखा था। और इतना कहकर उमेश के पापा का गला पकड़ दिया और ऊपर दीवार से सटाकर उठा दिया, जिस वजह से उनका दम घुटने लगा। लेकिन इस वक्त अब सालनी का रूप एक पिशाच में बदलने लगा था। उसके दांत बड़े बड़े होने लगे थे। उसका इस भयंकर रूप को देखकर उसकी माँ तो बेहोशी हो गई, लेकिन उमेश ये सब देख रहा था। उस पिशाच ने उसके बाबूजी के गले पर अपने दांत गड़ा दिए और बाबूजी का पूरा रक्त पी लिया, जिस वजह से उनका शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। और उसी वक्त उमेश के पापा की मौत हो गई। ये सब देखकर उमेश डर गया और भागकर उस तांत्रिक के पास पहुंचा। उस तांत्रिक से जब उसने कहा कि सालनी आज़ाद हो चुकी है और उसने मेरे पापा को मार दिया है, तभी तांत्रिक उससे गुस्से में कहने लगा कि मैंने तुम्हें रोका था कि तुम्हें उस दरवाजे को नहीं खोलना है, लेकिन तुमने उस दरवाजे को क्यों खोला। इतनी बात सुनकर वो उससे कहने लगा कि नहीं बाबा, मैंने उस दरवाजे को नहीं खोला, वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया था। इतना सुनकर अघोरानाथ के होश ही उड़ गए, क्योंकि जैसा वो सोच रहा था वैसा तो था ही नहीं, क्योंकि ये पिशाच बहुत ही शक्तिशाली था। इसलिए अघोरानाथ उमेश के साथ जल्द ही उसके घर आता है और एक मंत्र फूंकता है, जिस वजह से सालनी नॉर्मल हो जाती है। अब सालनी के हाथ पैरों को बांधा जाता है और तांत्रिक के उस हवन कुंड तक लाया जाता है। जब सालनी को वहां पर लेकर आए, उस तांत्रिक ने कुछ मंत्र सालनी के ऊपर फूंके तो सालनी अचानक से एक रौद्र रूप में आ गई और कहने लगी कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। इतना सुनकर अघोरानाथ ने एक और मंत्र उसके ऊपर फूंका। तांत्रिक अघोरानाथ ने उससे पूछा कि तू कौन है और कहाँ से आया है और इन लोगों को क्यों परेशान कर रहा है, अगर तूने मुझे नहीं बताया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तभी वो पिशाच तांत्रिक को बताने लगता है कि कुछ साल पहले उमेश और उमेश के कुछ दोस्त मुझे एक ट्रेन में मिले थे। उस ट्रेन में मैं अपनी पत्नी के साथ था, मेरी उस वक्त नई नई शादी हुई थी। इन लोगों ने मुझसे दोस्ती की,
दोस्ती करने के बहाने इन लोगों ने मुझे शराब भी पिलाई, लेकिन इन्होंने मुझे कुछ ज़्यादा ही शराब पिला दी थी, जिस वजह से मुझे होश नहीं रहा और इसका फ़ायदा इन्होंने उठाया और इन लोगों ने मेरी वाइफ का रेप कर दिया, जिस वजह से मेरी वाइफ की मौत हो गई। और जब मुझे होश आया तो इन लोगों ने मुझे भी उस ट्रेन से बाहर फेंक दिया ताकि किसी को कोई शक ना हो और कोई भी इन्हें पकड़ ना सके। आज भी मैं उस कुंभलगढ़ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर भटकता हूँ और जब मैंने इन दोनों को देखा तो मैं सालनी के पीछे लग गया और मैंने उस वक्त ठान लिया कि मैं भी इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा जिस तरह इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया था। इतना सुनकर तांत्रिक अघोरानाथ ने एक और मंत्र फूंका। इस मंत्र से वो पिशाच हमेशा हमेशा के लिए भस्म हो गया, लेकिन कहा जाता है कि आज भी वो पिशाच उस काली पहाड़ी की बनी गुफा में भटकता है। ऐसा माना जाता है कि उस तांत्रिक अघोरानाथ ने उस पिशाच को उस काली गुफा के अंदर बांध दिया था। जब भी कोई भी स्त्री उस गुफा के अंदर जाती है, वो उस गुफा से कभी वापस नहीं लौटती। इस तरह तांत्रिक अघोरानाथ ने उमेश, सालिनी और इनके परिवार को इस पिशाच से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।